ये है क्लास 11th ISC का इंग्लिश प्रोजेक्ट। तो हम धीरे धीरे इसका पेज बाय पेज देखते जाएंगे आगे क्या क्या है, और PDF का जो है मैं आपको जो वीडियो है उसके लास्ट में बता दूंगा कि आपको PDF को कैसे लेना है। तो मेरा एक कवर पेज है, मैंने ग्लिटर पेन वगैरह से पूरा डेकोरेट कर लिया है। ये इंग्लिश प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय और मेरा नाम, ठीक है, थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लिया। और इस बार मैंने कलर पेजेस लिए हैं, पिछले 10th में मैंने नॉर्मल वाइट पेजेस लिए थे, तो इस बार हमारे टीचर्स ने बोला थोड़ा कलरफुल हो सके तो वैसा ही बनाना है प्रोजेक्ट। और पेज बाय पेज देखेंगे हम इसको, सेट कर देते हैं। ये देखें इंग्लिश, ये कवर पेज है, कवर पेज के पीछे ही हमने एक इंग्लिश करके पिक्चर लगा दी कि इंग्लिश का प्रोजेक्ट है। अब हम सेकंड पेज लेते हैं अपना। सेकंड पेज है कंटेंट्स, तो क्या कंटेंट है पूरे प्रोजेक्ट का वो हमने इसी में लिख दिया। इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक और थीम्स, ठीक है। और इसमें बाकी आगे ऐड कर सकते हो आप, लेकिन मैंने करा नहीं है क्योंकि यहीं तक ही मेन हमारा टॉपिक है। इसमें आप कंक्लूजन बिब्लियोग्राफी भी ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया, और इसके पीछे मैंने ये लगा दिया है फ्रिट्स, क्योंकि मेरा टॉपिक फ्रिट्स है तो आप यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसका ये लगा दिया फ्रिट्स। हमारी एक स्टोरी है क्लास 11th की। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है टॉपिक, तो टॉपिक में है एनालिसिस ऑफ अ थीम फ्रॉम एनी शॉर्ट स्टोरी पोएम इन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। तो इसका मतलब है हमें एक कोई भी थीम जो है किसी भी स्टोरी या पोएम की, उसको एनालाइज करना है उसको किसी एक कम टेक्स्ट में, मतलब ज़्यादा वो नहीं, हमें ज़्यादा पेज नहीं बनाने। तो नेम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी टेकन फ्रिट्स, मैंने ऐसे करके ग्लिटर पेन से कर दिया अच्छे से। और पिक्चर है पीछे, ये है सत्यजीत रे जो जिसमें लिखी है पिक्चर, ये आपकी स्टोरी, तो उसकी ये पिक्चर है उनकी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हमारा जो है अब आता है द टॉपिक फ्रिट्स बाय सत्यजीत रे। अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें। तो मैंने इसमें लिख दिया है जैसे फ्रिट्स इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ सुपर सुपरनेचुरल इंसिडेंट एक्सपीरियंस बाय शंकर द नरेटर ऑफ द स्टोरी। ऐसे करके हमने यहाँ तक थोड़ा थोड़ा लिख दिया है ब्रीफ में, और पीछे कुछ नहीं लगाया है यहाँ पे क्योंकि अगला पेज एक्नॉलेजमेंट है। तो अब हम चलते हैं एक्नॉलेजमेंट पे। अब आता है एक्नॉलेजमेंट, तो इसमें मैंने लिख दिया आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक्स और ग्रेटिट्यूड टू माई टीचर, जो टीचर का नाम है, एज वेल एज आर प्रिंसिपल, ठीक है। तो ऐसे करके आप पढ़ लो इसको, नीचे तक लिख दिया। बाकी अभी PDF की भी बात करेंगे, आप PDF से आराम से देख के भी कर सकते हो। बाकी आप डेकोरेशन देख लो, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट पेज है सेकेंड इंट्रोडक्शन। अच्छा, जो इंट्रोडक्शन ये जो आपका एक्नॉलेजमेंट वाला पेज था, इसके पीछे ये पिक्चर लगाई है मैंने, इससे रिलेटेड अभी पेज भी दिखाऊंगा। ये है डेंजर इन दार्जिलिंग और द बुक हाउस ऑफ डेथ, ठीक है। तो ये दोनों जो सत्यजीत रे है उन्हीं की ये वो है स्टोरीज है जो उन्होंने लिखी थी। तो अब चलते हैं हम इंट्रोडक्शन, तो एक सेकेंड इंट्रोडक्शन है। इसमें सत्यजीत रे के बारे में हमने ज़्यादा से ज़्यादा लिख दिया है यहाँ पे दो पैराग्राफ में, और सम ऑफ हिज लिटरेरी वर्क, तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, कलर कर दिया अच्छे से इसको। और यहाँ पे मैंने हिंदी जो उनकी बंगाली भाषा थी उसमें उन्होंने जो हिंदी नाम थे उनके वो लिख दिए, और उसी को फिर जब इंग्लिश में करा गया था तो इंग्लिश टाइटल्स लिख दिए। जैसे डेंजर इन दार्जिलिंग को उनका जो रियल नाम था उस स्टोरी का वो था फेलुदार गोविंदागिरी, और द हाउस ऑफ डेथ ये रहा था हाउस ऑफ डेथ हत्यापुरी, तो इस टाइप से था। तो फिर हमने वो लिख दिया। और ये जो डॉल है फ्रिट्स, जैसे कि आपको अगर आपने पढ़ी होगी स्टोरी तो ये हॉरर स्टोरी है और ये डॉल पे बेस्ड है, तो एक्चुअल जो डॉल है फ्रिट्स वो ऐसी दिखती है, तो उसकी मैंने एक पिक्चर लगा दी है यहाँ पे। अब ये कंटिन्यू है जो हमारा टॉपिक, ये इंट्रोडक्शन था सत्यजीत रे का, यही थोड़ा सा और लिखा है मैंने। फिर अब हम यहाँ यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रिट्स। फ्रिट्स का मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि फ्रिट्स है क्या, शॉर्ट स्टोरी बाय सत्यजीत रे, ये उनका बॉर्न और डेथ डेट ईयर है, और हॉरर ड्रामा टाइप है ये स्टोरी, सस्पेंस क्रिएटिंग नेल बाइटिंग स्टोरी, ठीक है। पीछे चलते हैं, पीछे मैंने एक ये लगा दिया है जैसे द एक्ट शोइंग कंटेंट रिलेटेड टू सुपर नेचुरलिज्म, क्योंकि हमारी जो थीम है वो है सुपर नेचुरलिज्म, और स्टोरी में जो टाउन है वो बूंदी है, तो बूंदी इन राजस्थान की मैंने एक पिक्चर लगा दी है यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है हमारी थीम्स सुपर नेचुरलिज्म, तो सुपर नेचुरलिज्म के बारे में लिख दिया है मैंने, घोस्ट वगैरह, घोस्ट का मैंने अभी पिक्चर लगाया था वो दिखाया आपको, ठीक है, राजस्थान बूंदी। तो ये आप पढ़ लेना PDF में, अभी बात करते हैं PDF की। और ये एक देवदार ट्री है, देवदार ट्री भी स्टोरी से रिलेटेड है, तो ये मैंने यहाँ पे देवदार ट्री लगा दिया एक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब सुपर नेचुरलिज्म ही कंटिन्यू हो रखा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे देवदार ट्री मैंने मार्क कर रखा है क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड पिक्चर उधर लगाई है। तो ये आप पूरा देख लो एक बार कैसे लिखा है पैराग्राफ में। और पीछे जो है इसके पिक्चर है, ये घोस्ट की पिक्चर है, ऐसे ही लगाया है ये। और स्टोरी में एक ह्यूमन स्केलेटन भी होता है,
तो उसकी एक पिक्चर लगा दिया मैंने। नेक्स्ट पेज, अब सुपर नेचुरलिज्म फिर कंटिन्यूड ही है अभी, इसमें हमने ह्यूमन स्केलेटन, क्योंकि ये दोनों ऐसे कंटेक्स्ट में रहेंगे पेज, आप समझ गए होंगे, तो ह्यूमन स्केलेटन ऐसे करके आप मैंने हर पेज में कर रखा है, ठीक है ना। इमेजिनेशन, ये सब मैंने वर्ड है जिनको मार्क्स कर रखा है, तो ये तीन पेज में ऑलमोस्ट हमने थीम लिखी है। आपके पास अगर वर्कबुक है, आपकी जो एकोज की वर्कबुक है, तो उसी में ही आपको सारा मिल जाएगा कंटेंट। कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो कंक्लूजन अभी लिखा है हमने, तो उसकी पिक्चर चिपका दी है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो ये कंक्लूजन, कंक्लूजन आप पढ़ लो एक बार। आई हैव कम टू द एंड ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक, जो टॉपिक है फिर, इन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट आई ट्राइड माई बेस्ट टू इंक्लूड ऑल द नेसेसरी थिंग्स, जो भी है पढ़ लेना इसको, और इसके पीछे कोई पिक्चर नहीं है। और अब हमारा जो लास्ट एंड फाइनल पेज है वो है बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी में क्या, आई टुक हेल्प फ्रॉम, कहाँ से मैंने हेल्प ली, विकीपीडिया, आईएससी क्लास 11th एकोज वर्कबुक एंड टेक्स्ट बुक, माई पेरेंट्स हेल्प मी, फ्रेंड्स एंड इंग्लिश लिटरेचर प्रोजेक्ट बाय यश गुप्ता, थैंक यू। तो हमारा लास्ट पेज हो गया, और ये हमारा था आईएससी क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर प्रोजेक्ट। तो अगर अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी पीडीएफ की, जो डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव करके एक लिंक होगी पीडीएफ की, तो वो पीडीएफ की लिंक आप टैप करोगे, तो मैं यहाँ, आप मेरे पास आ जाएगा नोटिफिकेशन कि कोई एक्सेस मांग रहा है, तो मैं यहाँ से एक्सेस दे दूंगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने सारे आईएससी क्लास 11th वाले फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर दो, और जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, वहाँ तक हमें लेकर जाए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Promise that you'll never be lonely. Be the fan.